दिल्ली की ओपनिंग्स, मुंबई की, पुणे की, बैंगलोर की, अहमदाबाद की, लगभग हर जगह की ओपनिंग्स मैं आपके साथ लेके आया हूँ। जॉब्स का मैं एक सेपरेट चैनल है अपना जॉब्स गाइड नेम से। इस चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पे मींस हर एवरी अल्टरनेट डेज आप देखेंगे तो यहाँ पर भीम की ओपनिंग्स आती रहती है। क्या आती रहती है गाइस? भीम की ओपनिंग्स आती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं यूनिक सिविल। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत बेहतरीन बेहतरीन बीम की ओपनिंग्स लेके आऊँ गाइस, जिसमें दिल्ली की ओपनिंग्स, मुंबई की, पुणे की, बैंगलोर की, अहमदाबाद की, लगभग हर जगह की ओपनिंग्स मैं आपके साथ लेके आया हूँ। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है गाइस कि अभी हम लोग, क्योंकि जो अपना यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म है, मैं चाहता हूँ उसमें केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट्स हो, यानी सिविल इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन लाइक BIM की इन्फॉर्मेशन, PEB की सारी इन्फॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन हो। इसलिए जॉब्स का मैं एक सेपरेट चैनल है अपना जॉब्स गाइड नेम से। क्या गाइस? जॉब्स गाइड नेम से एक सेपरेट चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पे मींस हर एवरी अल्टरनेट डेज आप देखेंगे तो यहां पर भीम की ओपनिंग्स आती रहती है। क्या आती रहती है गाइस? भीम की ओपनिंग्स आती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हर दूसरे दिन, क्योंकि हर दूसरे दिन लगभग 10 से 15 ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उनमें जाके रेगुलर अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा इस आज मेन चैनल पे जो अपना यूनिक सेल प्लेटफॉर्म है, अपने इस फैमिली को बोलता हूँ कि आप लोग जॉब्स गाइड वाले चैनल पर जाके एवरी डेज, क्योंकि मैं यहाँ पर आज सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, नो डाउट सारी वीडियो ओपनिंग्स भी बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये जॉब्स गाइड वाला, जिससे कि आपको हर अल्टरनेटिव पर जॉब्स गाइड पे ढेर सारी ओपनिंग्स मिलती रहे, जैसे कि भीम की ओपनिंग्स है, स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स है, टिकला की ओपनिंग्स है, ऐसे ओपनिंग्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, इसके लिए एडवांस में थैंक यू बोलता हूँ। अगर आप लोग जॉब्स गाइड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ या कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जॉब्स गाइड अपना ही चैनल है, रेगुलर मैं ही आपको ओपनिंग्स बना के देता हूँ। बस चाहता हूँ कि यूनिक सिविल के इस चैनल पर ज़्यादातर वीडियो रहे बीम्स के और स्ट्रक्चर्स के और PEB और प्रीकास्ट के, जॉब्स के लिए सेपरेट चैनल ही अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। आज जो ओपनिंग्स गाइस आप सबके लिए लाया हूँ, ये ओपनिंग्स मुंबई से स्टार्ट करते हैं। मुंबई में भीम मॉडलर की ओपनिंग्स है। ठीक है, एक अच्छी कंपनी है, MNCs के अंदर भीम मॉडलर की ओपनिंग्स, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। इसमें 3D मॉडल्स बनाना चाहिए आपको, सेक्शन एलिवेशन क्लियर होना चाहिए आपको, प्लान के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपको, नेविस वर्क का अच्छा नॉलेज होना चाहिए ये, और उसके बाद रेवि स्ट्रक्चर, ऑटो कैड और रेवि आर्टिक्चर, MEP का अगर नॉलेज है तो आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टिकला आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, तो टेकला अगर आपको आता है इस कंपनी में अप्लाई कर दीजिए, काफी अच्छी MNC है, अच्छी खासी पैकेज देती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी दे रखा है। नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस, ओपनिंग से है XS कैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये ओपनिंग्स मुंबई के लिए ये भी है, और इसमें आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इनकी भी रिक्वायरमेंट है आपके, जैसे कैट टेक्नीशियन की, 3D विजुलाइजर का वर्क इनको चाहिए, ठीक है, कुल मिला के आर्टिक्चर और MEP दोनों का नॉलेज चाहिए, रेविट और कैट का अच्छा नॉलेज अगर आपके पास है तो अप्लाई कर दीजिए। स्मॉल स्केल कंपनी है, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग जल्दी हो जाएगी और सिलेक्शन भी होने का चांस जल्दी रहेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस, वो जेनेसिस इंफोस्टेक प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है। इस कंपनी में मुंबई के लिए भी है। इस कंपनी में आपको भीम मॉडलर की ओपनिंग्स है। भीम मॉडलर मतलब गाइस, ये फ्रेशर्स की प्रोफाइल होती है, आप आराम से अप्लाई किया करिए विदाउट, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता दूँ, 5 ईयर एक्सपीरियंस वाला कोई भी मॉडलर रहता ही नहीं है। हर कोई या तो भीम इंजीनियर हो जाएगा, भीम कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, प्रमोशन हो जाते हैं। यहाँ लिखा क्यों जाता है? जिससे कि एक रिलीवेंट कैंडिडेट हमारे पास आए। तो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो विदाउट हेजिटेशन आप फटाफट जेनेसिस में कर दीजिए अप्लाई, अच्छी कंपनी है, सॉलिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट जो ओपनिंग से गए, सो भीम स्पेशलिस्ट की है। किसकी है? भीम स्पेशलिस्ट की, AECOM, ये पुणे की। अब स्पेशलिस्ट लिखा है तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि फ्रेशर्स की है, क्योंकि स्पेशलिस्ट की जो जॉब होती है फ्रेशर्स की नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जिसके पास एक्सपीरियंस है केवल वही लोग अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, स्पेशलिस्ट का मतलब थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज। अगर आपके पास एसरे मतलब होता है जो MEP के डिजाइनिंग करते हैं उसके कोड होता है, एसरे का नॉलेज है, तो ऐसे आपको NVC का नॉलेज है, तो फिर आप इस कंपनी में अप्लाई करिए। और एक आपको पता होना चाहिए, भीम की बहुत बड़ी MNC में से एक आती है AECOM, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग होंगे बोलते हैं सर मुझे ये सारी चीज़ें आती नहीं है, तो दोस्त आती नहीं है तो आपको भीम की हमारी सेपरेट बैच चलती है 4 मंथ की, जिसमें कंप्लीट भीम की प्रिपरेशन कराता हूँ।
डेली 5 घंटे के टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे होंगे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और आपको वहाँ पर जो अभी अपकमिंग बैच होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाइए और 4 महीने आप डेडिकेशन के साथ हमारे साथ सीख सकते हैं। मैं खुद आपको ट्रेंड करने वाला हूँ, चाहे मॉक इंटरव्यू हो, चाहे एचआर इंटरव्यू हो, चाहे टेक्निकल इंटरव्यू हो, चाहे टूल टेस्ट हो, हर तरीके की प्रिपरेशन आपके साथ वहाँ पर मैं कराता हूँ 4 महीने में। आप चाहे तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट ओपनिंग से गाइस वहाँ चलते हैं। ओपनिंग से दार कंपनी में, ये भी एक हाई प्रोफाइल कंपनी है। इसमें पैकेज भी 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख के पैकेज होते हैं। इनको चाहिए भी कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मतलब होता है गाइस थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी होता है, अदरवाइज कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल फ्रेशर को बहुत रेयर या फिर बोलिए कि नहीं देते हैं। ठीक है, इनको देखिए ऑटोकैड चाहिए, नेविस वर्क चाहिए और रेविट चाहिए। हमारे ट्रेनिंग में ये तीनों सबसे मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है टिकला, क्योंकि पीछे भी आपने देखा होगा टिकला जो एमएनसीज होती है उनको टिकला भी लगता है। नेक्स्ट जो ओपनिंग से गई है एसोसिएट स्पेस डिजाइनर्स की, जो कि रेविट मॉडलर एक्सपर्ट चाहिए इनको। रेविट मॉडल एक्सपर्ट मतलब कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट तभी आप बन सकते हैं। बीम मैनेजर के लिए तो ज़्यादा लगेगा, 3 से 4 साल। लेकिन देखिए जब मैंने बोला रैबिट मॉडल एक्सपर्ट तो देखिए क्या लिखा है, मिनिमम 2 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे इनके यहाँ पर देखिए 5 से 6 लाख के पैकेज है, मतलब अच्छी खासी ओपनिंग से अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग से गए वो है बीम एमईपी इंजीनियर की, जो कि ब्लू प्रिंट डिजाइन करके कंपनी है। हमारे कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, पुणे में है, तो आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, बट एचबीएससी की है। ठीक है, तो एचबीएससी अगर आपको अच्छा आता है, आपके पास अच्छा नॉलेज है, रेविट रेविस्वर का अच्छा नॉलेज है, तो विदाउट लेट आप अप्लाई कर दीजिए। और अगर सिलेक्शन होता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी है गाइस सीडीएम स्मिथ। ठीक है, अभी जिन्होंने भी जॉब्स गाइड को क्या बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना जाके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ओपनिंग डालूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रेफरेंस लिख के मेल करें कंपनी को कि आई गॉट रेफरेंस फ्रॉम जॉब्स गाइड। ठीक है, जॉब्स गाइड को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ गाइस कि मतलब कि सिविल के अंदर कोई भी जॉब ओपनिंग्स निकले तो लोग बोले अगर ओपनिंग निकली है तो जाके जॉब्स गाइड पर देख लो, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट हो जाता है। मैं डेली करना चाहता हूँ, मैं अल्टरनेट डेज कर रहा हूँ आपके लिए। एक सीडीएम स्मिथ करके कंपनी है गाइस, जिनको यहाँ पर चाहिए क्या बोलते हैं लेआउट के बारे में भी, एम 360 के बारे में नॉलेज चाहिए, रैबिट कार के बारे में, क्लैश डिडक्शन के बारे में, ये सब मैं आपको सिखा देता हूँ। ये सब के बारे में रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियर फिलहाल इनको चाहिए, क्योंकि इनका पूरा काम एमवीपी में है। और अगर आपके पास है तो आप जाइए, अदरवाइज कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी देख लीजिए। नेक्स्ट कंपनी है बीम एन सॉरी इसमें बहुत अच्छी गाइस ये एन सर्किल टेक। इसमें बीम मॉडलर की तो ओपनिंग है, ये बीम इंटर्न की भी ओपनिंग चल रही है। इनके चार्ट से हमारी बात हुई थी, तो क्या बोलते हैं इंटर्नशिप भी इनके यहाँ चल रहा है, आप इंटर्नशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल रेविट और ऑटोकैड की जरूरत पड़ेगी, और नो डाउट भी मॉड्यूलर की प्रोफाइल पे जाएंगे तो सैलरी भी अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो है स्टूडियो सस्टेन करके, गुड़गांव के लिए, जो गुड़गांव वाले लोग हैं। बी मार्केटेक्ट की प्रोफाइल है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, जिसका बी आर हुआ है वो लोग इसमें अप्लाई कर दें। अप्लाई डिग्री वाले भी कर सकते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो इनके साथ शेयर करिए, इनको अच्छा लगा तो जरूर आपके साथ रख सकते हैं। कुल मिला के इनकी रिक्वायरमेंट है अच्छा विजुलाइजर, जिसके पास हो विजुलाइजेशन स्किल्स वो लोग अप्लाई करें। ठीक है जी, नेक्स्ट जो ओपनिंग से है गाइस वो ओपनिंग से यहाँ पर रेमबॉल कंपनी की, रेमबॉल वन ऑफ द टॉप 10 कंपनी जो बीम की होती है उसमें से है, जिसमें बीम स्ट्रक्चरल मॉडलर की रिक्वायरमेंट है गुड़गांव में। ठीक है, और इनको चाहिए कि आप थोड़े से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके, और बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब वेल एक्सपीरियंस कंपनी है कि अगर आप इसमें सेलेक्शन लेते हैं तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है स्टूडियो सस्टेन में ही गाइस एक बीम के, यहाँ पर देखिए ना आपने ओपनिंग बताया मैंने बीम आर्किटेक्ट का, एक और ओपनिंग चल रहा है स्ट्रक्चरल बीम इंजीनियर का। स्ट्रक्चरल बीम इंजीनियर में रेवी स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा भी चलेगा, बीटेक भी चलेगा, और सिविल और स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज रहेगा, तो आप यहाँ बताइए। एलओडीज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एलओडी 400 तक का अच्छा नॉलेज। मैं चाहूंगा गुरुकुल के जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस कंपनी में जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 0 to 1.5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इनको, मतलब अच्छा आप कैंडिडेट अगर है, अच्छी पोर्टफोलियो तो सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइस वो रैमबॉल है, रैमबॉल में ही रेवी स्ट्रक्चरल मॉडलर के लिए आई थिंक रिपीट हो गई ओपनिंग्स, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो ओपनिंग्स है गाइस वो ओपनिंग्स है यहाँ पर कॉर्डर ब्रेन करके, जिनको चाहिए कैड बीम और सिविल 3D का अच्छा नॉलेज, अगर आपके पास है तो नोएडा में इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस इनकी जॉब है। नेक्स्ट ओपनिंग से गए सो आर्चडी स्किल सीनियर बीम मॉडलर। सीनियर बीम मॉडलर मतलब कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोफाइल से आइडिया लगा लेना चाहिए कि कितने साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी इनको। और इनको देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, इनको सिविल 3D चाहिए, माइक्रो स्टेशन चाहिए, ऑटो कैड चाहिए, बीम मॉडल बनाना आना चाहिए, 5+ एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है, बट 2+ सफिशियंट होगा मेरे अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट जो ओपनिंग है गाइस, वो ओपनिंग्स है यहाँ पर 3D विजुलाइजर की, जो कि पूरी आर्किटेक्चर वाली प्रोफाइल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा इसको मैपिंग वोपिंग लगेगा जहाँ तक है। देखिए, 3ds मैक्स, फोटोशॉप, ऑटो कैड, स्केचअप, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोफाइल के लिए। तो अगर आपके पास ये सारे प्रोफाइल्स का नॉलेज है, ट्विन मोशन, इंकस्केप, वैसे मैं सिखाता ही हूँ, आपके पास अगर रिक्वायरमेंट है तो हैदराबाद में अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग से गाइस, वो ओपनिंग से यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं, रेंट स्टैंड करके कंपनी है, एक एमएनसी है, भी मॉडलर की ओपनिंग से है, इनके यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, काफी अच्छी ओपनिंग इनके यहाँ पर भी है। लास्ट है गाइस, यहाँ पर कुछ ओपनिंग जैसे कि एक है यूनिक एड करके, स्कैन टू बीम पे काम इनका, फ्रेशर्स के लिए काफी अच्छी कंपनी है, आराम से अप्लाई कर दीजिए। जो लोग अहमदाबाद में हैं, आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी है गाइस यहाँ पर जूनियर एमईपी बी मॉडलर के लिए। मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ क्योंकि 10 मिनट के वीडियो से ज्यादा आप लोग का वॉच करने की सबकी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उसके हिसाब से आपको बता दूं, यहाँ पर एमईपी का अच्छा नॉलेज है, क्या अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट ओपनिंग से गाइस, वो सिस्ट्रा करके कंपनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये भी एक एमएनसी है, तो इनके हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट ओपनिंग से गए एक सिलिकॉन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, ये भी अहमदाबाद की है, इनके अभी आप फ्रेशर्स लेवल पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ओपनिंग से गए यूनिक यूनाइटेड बीम करके अहमदाबाद की, जिनको रेबिट मॉडलर चाहिए, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी तीनों आता है, अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। आपसे अगली मुलाकात होगी जॉब्स गाइड यूट्यूब चैनल पे। तो जिन्होंने भी भाई चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, जाके कर लो। आपके बेनिफिट के लिए ही मैं रेगुलर बेसिस पर देखिए यहाँ पर ओपनिंग्स तैयार करता हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगा इस ओपनिंग्स को पूरा का पूरा एवरी डे टाइम्स कर दूंगा, मतलब एवरी डे भीम की जॉब्स, सिविल की जॉब्स आपके सामने। चलिए, जय हिंद, जय भारत।